हेलो गाइस, तो आज से फिर मैं एक नया वीडियो लेकर आ गया हूँ। ये वीडियो देखकर आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है, तो फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो में और आगे देखिए। फ्रेंड्स मैं आ गया हूँ पड़ाव, और पड़ाव चौराहे पे ये पुल है फ्रेंड्स, काफ़ी ओल्ड है, जो कि सीधे आपको ले जाएगा रामनगर फोर्ट की तरफ। यानी कि इस रोड से आप सीधे डायरेक्टली आप मिर्ज़ापुर, टेंगरा मोड़, चुनार, काफ़ी जगहें आसानी से पहुंच सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी प्रेजेंट में मैं दिखा रहा हूं कि यहां पर आप सभी देख रहे हैं कि अगल बगल काफ़ी दुकानें हैं। अभी तो लॉकडाउन का माहौल चल रहा था फ्रेंड्स, अब देख रहे हैं काफ़ी सुधर चुका है। देख रहे हैं यहाँ पे गोमती वगैरह होता था, लेकिन अब मछली मंडी बन गया है फ्रेंड्स। यहाँ काफ़ी मछलियाँ बिकती हैं, और आपको बताते हैं कि काफ़ी अब डेवलप हो रहा है यहाँ पे, और रोड भी काफ़ी क्लीन बन चुका है पहले की अपेक्षा। फ्रेंड्स लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं कि ये रोड गया है, ये सीधे आपको ले जाएगा ब्यास नगर यानी कि बखरा गांव की तरफ, और सीधे आप जाते हो तो रामनगर के साइड जाओगे। रामनगर एक बहुत ही अच्छा प्लेस है, यहाँ पे आपको रामनगर का सबसे ओल्ड फोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। फ्रेंड्स मैंने पिछली वीडियो में उसके बारे में बता चुका हूँ, और आपको बता दें कि यह फोर्ट काफ़ी ओल्ड है, जो कि राजा का था, अब वो शायद दिल्ली रहते हैं। यहाँ पे आप अगर घूमने नहीं आए तो प्लीज़ ज़रूर घूमने आए। फ्रेंड्स आपको बताते हैं कि यह रोड काफ़ी ख़राब हो चुका है, कहीं कहीं पे जल जमाव होते रहते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो में और आगे देखते रहिए। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि अभी हम पड़ाव और रामनगर के बीच में हैं। यहाँ पे कई तरह के इंडस्ट्रियल एरियाज भी हैं, और यहाँ पे आपको कई लॉन देखने को मिल जाएंगे, फैक्ट्री देखने को मिल जाएंगे, और हॉस्पिटल्स, ट्रांसपोर्ट, और भी कई तरह की चीज़ें आसानी से यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। फ्रेंड्स ये रोड भी काफ़ी ओल्ड है, यहाँ से पहले राजा महाराजा आया करते थे, और वो लोग अभी चले गए हैं दिल्ली। तो फ्रेंड्स अभी तो हम लोग ही चल रहे हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स कब से मैं सोच रहा था कि ये वीडियो बनाऊं, और आप लोगों मुझे अच्छे से सपोर्ट करो। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये कपल हैं, जो कि न्यू जनरेशन के हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आप देख सकते हैं, काफ़ी चिपक के क्लोजली बैठे हुए हैं। इस पे ज़्यादा ध्यान ना दें, और मेरे ब्लॉग पे कॉन्सेंट्रेट करें। ये मैं निकल गया आगे, और आगे भी एक लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डेली कपल वगैरह भी आया जा करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जिस पे हम ध्यान नहीं देंगे, अपने वीडियो पे ध्यान देंगे ब्लॉग पे।
तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग आ चुके हैं रामनगर के बॉर्डर पे। कुछ देर बाद हम काफ़ी क्लीन रोड पे होंगे। अभी तो ज़्यादा अच्छा रोड आपको देखने को नहीं मिल रहा है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी से लाइक कर दें और एक छोटा सा प्यार से कमेंट ज़रूर करें, जिससे मेरा उत्साह और बढ़े और अच्छी अच्छी वीडियो मैं बना कर लाऊँ। तो फ्रेंड्स हम कुछ ही देर में जाने वाले हैं रामनगर, जो दुर्गा मंदिर है उस साइड। तो फ्रेंड्स आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ट्रक वगैरह चल रहे हैं। इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण यहाँ पे काफ़ी चीज़ आसानी से आपको देखने को मिल जाएंगी। जो आपने नहीं देखा होगा यहाँ पे ज़रूर देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि रामनगर काफ़ी पॉपुलर एरिया है। और ख़ास बात बता दें कि यहाँ पे रामनगर का विश्व प्रसिद्ध रामायण होता है, जहाँ पे आसानी से रावण को जलाया जाता है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा वीडियो लगातार कंटिन्यू देखते रहें, मैं ज़रूर कभी न कभी दिखा दूँगा फ्रेंड्स। तो अभी वो प्रोग्राम नहीं हो रहा है, उसको बीते करीब 7-8 महीने हो रहे हैं। जैसे ही फ्रेंड्स होगा मैं आपको ज़रूर ही दिखाऊंगा। अगर आप सपोर्ट करो तो और भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं लेकर आऊँगा फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी समय से हम लोग रोड पर ही चल रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं लगातार। तो अभी मैं चलूँगा आगे चल के, कुछ और बातें बताऊँगा। तो इससे पहले कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें, इससे सपोर्ट बढ़ता रहेगा। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं सबसे क्लीन रोड पे। आप देख सकते हैं काफ़ी क्लीन रोड है फ्रेंड्स, जो कि रामनगर का है। अगल बगल देख रहे होंगे काफ़ी ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पेड़ वगैरह काफ़ी भारी मात्रा में लगाए जा चुके हैं और काफ़ी लगने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हम बस आगे से मुड़ने वाले हैं। तो ये रहा, सीधे जाएंगे तो रामनगर फोर्ट की तरफ जाएंगे फ्रेंड, और लेफ्ट साइड जाएंगे तो आप सीधे दुर्गा टेंपल की तरफ जाएंगे, जो काफ़ी ओल्ड है, जो रामनगर के राजा रहते थे, यानी कि जिसको जनकपुर के नाम से जाना जाता है, वो यही एरिया है फ्रेंड्स। देख रहे हैं आप काफ़ी क्लीन यहाँ का रोड बन चुका है, एक भी गड्ढा या फिर प्रॉब्लम आपको नहीं देखने को मिलेगी यहाँ पे। कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे आप फेस नहीं कर पाओगे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करें फ्रेंड्स, इससे और भी मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो थैंक फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, और